दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अट्रैक्टिव कैसे दिखे। सो दोस्तों अट्रैक्टिव दिखने में और अट्रैक्टिव बनने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हमें सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना है तो उसके लिए हम मेकअप करके या फिर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, लेकिन हमें अगर अट्रैक्टिव बनना है तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। सो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे ग्रेट स्किन केयर रूटीन के बारे में। सो दोस्तों हम हर घड़ी मेकअप में नहीं रह सकते, तो उसके लिए हमें एक अच्छा स्किन केयर जो रूटीन है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हमें क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग करनी चाहिए अपने फेस की। हमें हफ्ते में दो बार स्क्रब करना चाहिए। हमें ग्लोइंग फेस पैक यूज़ करने चाहिए हफ्ते में दो बार। हमें अपने फेस की मसाज करनी चाहिए उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आपने देखा होगा जिन लड़कियों के फेस पे ग्लो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और सेकेंड नंबर पर बात करेंगे आईब्रोज के बारे में। आईब्रोज जो होती हैं हमारे फेस को एक अट्रैक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। वो हमें डिफरेंट बन दिखाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। जब हम काफ़ी टाइम तक आईब्रो नहीं बनाते और हम सडनली आईब्रोज बनाते हैं तो हमारा फेस अट्रैक्टिव लगने लगता है, थोड़ा थोड़ा चेंज लगने लगता है। इसीलिए जो आईब्रोज होती हैं वो हमारे जो चेहरे के नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको इन्हेंस करती है। आपने देखा होगा जिन लड़कियों की आईब्रोज बोल्ड होती हैं वो दिखने में अट्रैक्टिव लगती हैं, यंग लगती हैं, अकॉर्डिंग टू उनके जिन लड़कियों की आईब्रो बिल्कुल थिन होती हैं। अगर हमारी आईब्रोज थिन हैं तो हमें उन्हें रेगुलर पेंसिल लगानी चाहिए, बनवानी चाहिए या जेल यूज़ करना चाहिए उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। थर्ड नंबर पे बात करेंगे हाई पोनीटेल की। हाई पोनीटेल एक ऐसा फैशन होता है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, चाहे हम वेस्टर्न ड्रेस पहने चाहे हम इंडियन ड्रेस पहने, वो दोनों में ही खूबसूरत लगता है। अगर हम एक सिंपल चोटी की जगह ऊपर पीछे एक हाई पोनीटेल बनाते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है हमें। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे ब्राइटन अप योर आईज। दोस्तों जब अभी हम किसी से मिले तो हमारी आंखें टायर्ड नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए, आंखों के नीचे काले घेरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते अट्रैक्टिव दिखाने में। अगर हमारी आंखें लाल हैं तो हमें उनके लिए आई ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए। अगर हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो उन्हें हटाने के लिए हमें जेल का क्रीम्स का यूज़ करना चाहिए अपनी आंखों के काले घेरों को हटाने के लिए और खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे गुड स्मेल। जब भी हम किसी से मिले तो हम में से एक अच्छी सी खुशबू ज़रूर आनी चाहिए, चाहे हम थोड़ा ही डियो का यूज़ करें। हमें बहुत ज़्यादा डियो या परफ्यूम का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशबू भी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। लेकिन जब भी हम बाहर जाएँ तो हमें ज़रूर परफ्यूम या डियो का यूज़ करना चाहिए। सिक्स नंबर पर हम बात करेंगे एड ब्लश टू योर चिक्स। अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें ब्लश का यूज़ करना चाहिए। स्पेशली रात के वक्त अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें ब्लश यूज़ करने चाहिए। पिंकी एंड जो पीछे क्लश के कलर के जो ब्रश होते हैं वो हमें और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प करते हैं। सो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये भी नहीं कि हम ज़्यादा ही अपने गालों को लाल कर लें, लेकिन हमें हल्के फुल्के अपने गालों में एक पिंकनेस जरूर लानी चाहिए खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। सेवन नंबर पे बात करेंगे एड वॉल्यूम टू योर हेयर। दोस्तों जो हमारे बाल हैं वो भी हमें अट्रैक्टिव बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर हमारी चोटी पतली होगी, हमारे बाल पतले होंगे तो वो हमें इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर हमारे बाल मोटे होंगे तो और लंबे होंगे तो वो हमें अट्रैक्टिव दिखाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो अपने बाल, अगर आपके बाल पतले हैं तो आप अपने बालों में ड्राई शैम्पू का यूज़ कीजिए, उन्हें घने दिखाइए ताकि आप और अट्रैक्टिव लग सकें। सो दोस्तों एट नंबर पर बात करेंगे वेयरिंग क्लोथिंग्स दैट फिट। दोस्तों हमें अट्रैक्टिव दिखाने में जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। अगर हमने अनफिट कपड़े पहने हैं तो उन्हें पहन के हम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। इसीलिए हमारे कपड़ों का अच्छे से फिट होना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़्यादा लूज कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, हमें ज़्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, और हमें ओकेशन के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम बाहर कैजुअल आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें शाइनी कपड़े बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। अगर हमारे कपड़े अनफिट हैं तो हमें उन्हें टेलर से पूरा फिट करवा के ही पहनना चाहिए। ज़्यादा टाइट कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव
नहीं लगते। सो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों।